मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ विज्ञान में ही नहीं बल्कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए थे और उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। उनके विचार आम आदमी या फिर सोसाइटी से अलग थे और उनकी एक भी वाइज थॉट अगर हमने अपनी ज़िंदगी में उतार पाए तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस वीडियो में हम एपीजे अब्दुल कलाम की ऐसे ही क्वाइस्ट थॉट के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, अक्सर देखा जाता है कि सोसाइटी में एक इंडिविजुअल की मेहनत को उसका लक बता दिया जाता है और उस इंसान की काबिलियत पर सवाल उठाया जाता है। उस पर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरे में असफल हो जाते हो तो सोसाइटी उसे मेहनत का नाम ना देकर उसे आपका किस्मत बताएंगे और आपके काबिलियत के ऊपर सवाल उठाएंगे। नंबर टू, सोसाइटी कहता है कि लोगों को अपनी औकात देखकर सपना देखना चाहिए, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि जो एक इम्पॉसिबल सपना देखने की हिम्मत रखता है वही दुनिया को बदल देने की शक्ति भी रखता है। तो इसीलिए सपना देखो, तभी वो विचार में बदलेगा और विचार एक्शन में बदलेगा और एक्शन होने से ही आपका सपना पूरा होंगे। नंबर थ्री, एपीजे अब्दुल कलाम कहता है कि अगर आपका कोई सपना या फिर गोल है तो उसे आप तभी पा सकते हो जब आपका मन उस गोल के प्रति एकाग्रसित होगा। भटका हुआ मन कभी भी कोई गोल को अचीव नहीं कर पाता। नंबर फोर, अगर किसी इंसान की हर कोशिश के बाद भी वो फेल हो जाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, लेकिन इस पर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि सीखने का पहला प्रयास। इसीलिए फेल होने से, निराश होने से अच्छा है हम और ज़्यादा जोश के साथ उस काम को फिर से ट्राई करें। नंबर फाइव, हम सभी को ये पता है कि हम सभी के पास सेम या फिर इक्वल टैलेंट नहीं होता है और इसी से हम निराश होकर किस्मत को कोसने लगते हैं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का ये कहना है कि सभी के पास सेम टैलेंट या फिर इक्वल टैलेंट तो नहीं होता है, लेकिन उसे डेवलप करने के लिए सभी के पास सेम टाइम या फिर अपॉर्चुनिटी जरूर होता है। इसीलिए नसीब को कोसने से अच्छा है हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम अपनी टैलेंट को डेवलप कर पाए। तो ये थे एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ वाइज थॉट। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिला हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।